हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर गाइड करने वाला हूँ, जो है मेडिटेशन। बहुत ज़्यादा लोग अपने लाइफस्टाइल में मेडिटेशन ऐड तो करना चाहते हैं, बट अपने ही माइंड में वो मेडिटेशन को इतना कॉम्प्लेक्स कर चुके हैं कि कभी शुरू ही नहीं कर पाए। या फिर बहुत ऐसे भी लोग हैं जो इसे शुरू कर लेते हैं बट कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते। अगर आप मेडिटेशन को कंसिस्टेंटली करते हो, डेली करते हो, तो आपके लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाला है, क्योंकि इससे आपका मेंटल हेल्थ सही रहेगा। जैसे हम वर्कआउट करते हैं अपने हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए, इसी तरह आपको अगर मेंटल हेल्थ सही रखना है तो आपको मेडिटेशन करना होगा। और इसका बहुत ही ज़्यादा आपका पॉजिटिव रिजल्ट आपके रिलेशनशिप में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको गुस्सा कम आएगा। आपका जो प्रोफेशन है उसमें भी आप अच्छा करने लगोगे, क्योंकि इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आप हर एक चीज़ में अच्छे से फोकस कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला स्टेप है वो है, आपको एक कंफर्टेबल जगह पे बैठना है, कंफर्टेबल होके बैठना है। आप चाहे तो बेड पे बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो, या फिर सोफे पे बैठ सकते हो, आपको कंफर्टेबल बैठना है। और एक बात, यहाँ पर आपका जो साउंड होगा, मतलब आप जहाँ पर भी बैठ रहे हो वो साइलेंट होना चाहिए, शांत होना चाहिए। बाहर का कुछ नॉइज़, बाहर का कुछ ट्रैफिक का आवाज़ आपके अंदर, मतलब आप जहाँ पर कर रहे हो मेडिटेशन वहाँ पर नहीं आना चाहिए। कुछ नेचर साउंड जैसे कि बर्ड्स, वाटर, ये सब अगर आ रहा है तो सही है, कोई बात नहीं, आप अच्छे से मेडिटेशन कर पाओगे, बट बाहर का नॉइज़ अंदर नहीं आना चाहिए। और जो दूसरा स्टेप है वो है, आपको यहाँ पर आपका जो पोस्चर वो सही होना चाहिए। आपको एक सीधा बैक के साथ बैठना है, आपका स्पाइन सीधा रहेगा। अब जब सीधा बैठते हो, सीधा होके बैठते हो, तब हमारा जो स्टोमाक में जो एयर होल्ड करने का कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एयर को होल्ड कर पाओगे अपने स्टोमाक में, ताकि आप डीप ब्रीदिंग कर पाओ। और आपका हाथ ऊपर की तरफ इस तरह रहेगा मेडिटेशन के दौरान। और अभी जो तीसरा स्टेप है वो है, आपको आँखें बंद करना है। आँखें बंद कीजिए और उसके बाद डीप ब्रीदिंग कीजिए। स्लोली आप इनहेल कीजिए, फिर होल्ड, फिर स्लोली आप एक्सेल कीजिए, सांस को बाहर छोड़िए। इस तरह आपको डीप ब्रीदिंग करना है। और यहाँ पर आपको पूरा आपका फोकस आपके ब्रीदिंग के ऊपर रहेगा। आप जब भी आप ब्रीदिंग करते हो, आपका पूरा माइंड, पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब आपको बार बार आपका ध्यान भटक सकता है आपके ब्रीदिंग से, बट आपको उसे बार बार उसे फिर से आपका आपके ब्रीदिंग के ऊपर फोकस को बैक करके लेकर आना है। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, इससे आपका जो हर एक चीज़ में फोकस करने का जो पावर है वो बढ़ेगा, आपका दिमाग तेज़ होगा। यहाँ पर बहुत सारा और भी टेक्निक्स है, जहाँ पर किसी और चीज़ के ऊपर फोकस करने को बोला जाता है, विजुलाइज करने को बोला जाता है। बहुत जगह पे लोटस को यहाँ पर यूज़ किया जाता है विजुलाइज करने के लिए। तो उससे फोकस करने के बाद फिर से अगर कोई थॉट आपके दिमाग में आ रहा है तो उसे आपको फिर से बैक करके लेकर आना है पहले वाले फोकस पे, मतलब लोटस पे फिर से आपको फोकस बैक करना है। इससे क्या होगा, आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगा। बहुत जगह पे ये इस तरह भी मेडिटेशन किया जाता है, जहाँ पर आपको थॉट को कंट्रोल करना नहीं होता है। आपका दिमाग में जो कुछ भी आपका थॉट आ रहा है उसे सिर्फ आपको कंसियसली आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखना है कि आप क्या सोच रहे हो। आपको उसे मतलब ऐसा नहीं करना है कि आप उसे काट ऑफ कर दो अपने थॉट को, आपका पूरा दिमाग सुन हो जाए। आपका यहाँ पर क्या करना है, आपको उसे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। बहुत जगह पे मंत्रा चांटिंग भी किया जाता है, जिससे आपका बहुत ही उसका पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ जाता है। आप यहाँ पर ओम ये जो है उसका आप चैंटिंग कर सकते हो। इसका जो ऊर्जा है इसके अंदर, इस मंत्र के अंदर जो ऊर्जा है वो भी आपके अंदर एब्जॉर्ब होने लगेगा। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कितना आसान है मेडिटेशन करना। आप खुद से अपने माइंड में इसे कठिन कर लेते हो, जिसके वजह से आप मेडिटेशन कंसिस्टेंटली कर नहीं पाते हो। तो ये था कुछ सिंपल स्टेप्स जिससे आप बहुत आसानी से मेडिटेशन कर सकते हो। आपको एक महीना, दो महीना पहले जब आप शुरू करते हो तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा आपको फोकस करने में एक चीज़ में। आपको धीरे धीरे करते करते आप इसे बहुत अच्छे से कर पाओगे। आप हर एक अपना जो थॉट है उसे कंट्रोल कर पाओगे, आप क्या सोच रहे हो वो कंट्रोल कर पाओगे।